इंजेक्शन लग रहा है भाई जी ना इंजेक्शन ला रहे क्या बात है भाई क्या बात है लोहड़ी खान वादू भगवान जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं विकास अंसारी और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर में। और गुजरांवाला के चिड़े तो आपने ट्राई किए होंगे, आज जो है ना वो आपको लाहौर के चिड़े ट्राई कराते हैं कि लाहौर के चिड़े जो है ना वो भी जानदार होते हैं कि वो बेजान हैं। तो भाईजान से पूछते हैं और इसका एड्रेस भी जो है ना वो डिटेल के साथ आपको पता है मैं वीडियो में शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, उमर भाई ने हमें गुजरांवाला से यहाँ पे बुलाया है। और उमर भाई, क्या कुछ मिलता है आपके पास, ज़रा बता दें। भाई जी, ये हमारे पास चरखा फ्राई होता है, तवे वाले 20 होते हैं, बटेरे होते हैं जनाब, पहले रोगनी नान होते हैं जनाब। आपने जो हुक्म करना है बस हमें बताएं, हम आपको रेडी करके देंगे। ओए हो, ये रेडी करने लगे हैं। अच्छा, ये देखें, ये कुछ चेस्ट के पीस गए हैं, कुछ लेग के पीस जाएंगे और उसके बाद जो जैसे जैसे किसी की फरमाइश होगी उस तरह। हाँ हाँ जी, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा ऐसे ही है। क्या बात है जी। उमर भाई जो है ना ऑर्डर लगाने लगे हैं और इनके ऑर्डर लगाने का तरीका जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सूफी का ऑयल डाल दिया इन्होंने और सूफी के ऑयल के बाद जो है ना इनकी ये जो है ना पिच जाएगी ऊपर। ये क्या है ये प्यारे भाई, रायता? रायता नहीं है, ये दही में मसाले ऐड किए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दही में मसाले ऐड किए हुए हैं इन्होंने, जो बाद में जाएंगे जो शोरबा जो है ना ऊपर नज़र आ रहा है आपको ग्रेवी के लिए इस्तेमाल होगा जो ऐसा ही है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें, इन्होंने हाफ डन के कुछ हाफ डन करके रखा हुआ था, उसके बाद तो सूफी का ऑयल डाला है और थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करेंगे। मज़ीद फ्राई करने के बाद जो है ना फिर इसके ऊपर जो इन्होंने अलहदा से अपना रेसिपी बनाई हुई है ना वो डालेंगे और जो है ना इसे रेडी करना स्टार्ट कर देंगे। क्या बात है, ये देखें इनकी ना खुद की जो दही के अंदर रेसिपी है ना वो बनी हुई इन्होंने डाल दिया अब थोड़ा सा घी के अंदर फ्राई करने के बाद, तो आप जो है ना वो रेडी करने लगे हैं ये। हाय हाय हाय, ओए होए होए, भाई गुजरांवाले दे चिड़े बड़े खाते ने, लेकिन लाहौर दे चिड़े वो भी तुहानू चैक कराने हैं। हैं चिड़े भी जान दे विच ने, सेहतमंद ने, होर भी काफ़ी कुछ है माशाल्लाह। की कुछ इतों मिलता है वो भी तुहानू दसने हैं। चिड़े खाने से दिल करता, बटेरे खाने से दिल करता, तो फिर गुजरांवाला जिहड़ा एड्रेस है ना मैं भवान रंग चंगी तरह पुछ के इधर दिखाना प्यारे भाई। हाय हाय हाय, क्या बात। अच्छा जी भवान जी, की नाम है तुहाडे पॉइंट का? हक बाहू चरगा हाउस। हक बाहू चरगा हाउस, इहदा एड्रैस भी सानू दस दिओ फिर। सुबह बदाल रंग महल लाहौर। रंग महल लाहौर, ठीक है। एड्रैस तुहानू भाई ने दस दिता है, तो इन्हां को मिलदा की है भाई जान? मिलदा की तुहाडे? चरगा, बटेरे, तवे वाले पीस, रोगनी नान रायता। रोगनी नान रायता, क्या बात है जी। हक बाहू वाले भाई पूरे हक नवा रहे हैं। अच्छा जी, तवा पीस इन्हों का, तवा बनाने का तरीका जोड़ा ना तुम वेख रहे हो, है हर एक का ट्रेंड, हर एक का तरीका अपना अपना है, इन्हों का तरीका अपना है। इन्होंने पानी की मकदार वेखो बहुत ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है। क्या बात है, क्या हरिया मिर्चा उस्ताद ही पाई जा रहे हैं। नफरत नहीं, रहमता मुहब्बत, रहमता मुहब्बत भाई जान। अच्छा सर जी, है की है? भाई जी, चिकन स्पेयर पार्ट्स के लिए दिया बूटे। चिकन स्पेयर पार्ट्स, क्या बात है। अच्छा जी, इन्होंने स्टीम करके लैदा रखे हुए ने, यही जड़े ने मेरे ख्याल के चौके के सुट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है ना, इंजी गल है, इंजी गल है। पहले उन्होंने हाफ डन करके रखे हुआ, उस तो बाद जो चौके फिर पानी से सुट देने। पानी का जोड़ा ना कोई इन्होंने मेरे ख्याल कोई अदरक लहसन का ही जोड़ा ना मेरे ख्याल या कोई जिमें भी सिस्टम इन्हों का चलता है, कोई ज़्यादा डिटेल तो सूँ पता कोई नहीं। तो दूसरे पास फ्राई चरका भी मिल जाएगा, ये तो मिलेगा लाहौर के रंग महल, ठीक है। ए सामने लाल मस्जिद है, ए तुसी मीनार लाल मस्जिद का देख रहे हो, तो यह जो ना पुआंदी जो ना हक बाहू ये तो जो पॉइंट नज़र आ जाएगा माशाल्लाह। क्या बात है भाई,
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਬਣਾਉਂਦ ਰਹਾ ਹੈ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੇਕ ਦਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ ਬਈ। ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਮਸਾਲੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਾਲੇ। ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਆ ਪਤਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਯਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਗ ਪੀਸ, ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਲੈਗ ਵੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਰੀ। ਤਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੁੰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ, ਮਸਾਲੇ ਪੂਰੇ ਰੜਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਂ ਜੇਕਰ ਮਸਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਟੈਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਚਨੇ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਚਨੇ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈ ਯਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਝ ਗੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਕਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਖਾਂਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਚੁੱਕੋ ਜੀ ਦਮ, ਚੁੱਕੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੱਟ ਗਿਆ ਬਈ ਭਾਈ, ਕੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਟ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਸਾਲੋਂ ਕੀ, ਔਰ ਲੈਗ ਔਰ ਚਸਟ ਕਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕੇਲੇ ਇਸ ਕੋ ਦਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਰੱਖੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਦਮ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਾਥ ਮੇ ਹੈ। ਲੈ ਜੀ ਪੀਸ ਹਮਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਅਬ ਪਲੇਟੋਂ ਮੇ ਲਗਣੇ ਲਗੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿਆ, ਔਰ ਬਕਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਮਰ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਮੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਈਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਲਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨੈਕਸਟ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।
क्या बात है, पैकिंग भी हो गई है भाई। उमर भाई पूरा यकीन करो, सुहागरा थी तोहफा अच्छा जी, ड्रेस मैंने वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है और दोबारा से आपके लोगों के साथ शेयर कर दूं, ये अगर आप लाहौर में टकसाली गेट से एंटर होते हैं ना, तो एंटर होते ही सीधा आपने आना है रंगमहल बाज़ार की तरफ, और रंगमहल बाज़ार में लाल मस्जिद के करीब जो है ना, ये हकबाहू पॉइंट आपको जो है ना वो नज़र आ जाएगा।